Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a gas is contained in a metallic cylinder fitted with a piston. The piston is suddenly moved in to compress the gas and is maintained at this position. As time passes, the pressure of the gas in the cylinder. Okay, so आप देखो हमारे पास एक metallic cylinder है and इस cylinder में हमारे पास एक piston है and इस cylinder में हमारे पास एक gas present है. लेट से जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है दैट इज टी नॉट, देन आप देखो कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये जो गैस है इस सिलेंडर में उसका भी टेम्परेचर कितना होगा, टी नॉट ही होगा, बिकॉज ये जो सिलेंडर है ये मेटल का है एंड मेटल के थ्रू हीट इजिली ट्रांसफर हो सकती है, राइट. सो सिलेंडर के अंदर जो टेम्परेचर होगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन में दैट विल बी टी नॉट, दैट इज सराउंडिंग का टेम्परेचर. नाउ हम क्या करते हैं, इस पिस्टन को सडनली अंदर की तरफ पुश करते हैं सो दैट ये जो गैस है इस सिलेंडर में वो कंप्रेस हो जाएगी. आप देखो जब हम सडनली कोई प्रोसेस करते हैं ना, सो वो प्रोसेस होता है एडियाबेटिक. एडियाबेटिक प्रोसेस क्यों होता है, बिकॉज हीट एक्सचेंज के लिए टाइम नहीं मिलता व्हेन द प्रोसेस इज सडन, राइट. सो एडियाबेटिक प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं देन जो हीट एक्सचेंज होता है विद द सराउंडिंग दैट इज इक्वल टू जीरो. Now first law of thermodynamics says Q is equal to W plus delta U. So Q तो zero है. Now what is work done by the gas? So work done by the gas will be negative because gas यहाँ पे compress होगा, right? जब gas compress होता है उसका volume कम होता है then जो work होता है by the gas that will be negative. You can see dW is equal to P into dV. So प्रेशर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, अगर जो वॉल्यूम है dV है वो नेगेटिव है, इट मींस जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है, देन जो वर्क है वो नेगेटिव होगा. इट मींस आप देखो इफ वर्क इज नेगेटिव देन जो डेल्टा U है ये पॉजिटिव होगा, राइट, बिकॉज W प्लस डेल्टा U दैट इज इक्वल टू जीरो. सो इफ वर्क इज नेगेटिव देन जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो पॉजिटिव है एंड डेल्टा U इज नथिंग बट एन सी वी डेल्टा T. If delta U positive है then delta T भी क्या होगा, positive होगा. It means कि जो temperature है इस gas का वो increase हो गया. Let's say that is a T1. Now अभी आप देखो surrounding में क्या temperature है, T0. And gas का जो temperature है that is a T1. So what will happen कि ये जो body है इस cylinder की वो metal की है, so heat easily transfer हो जाएगी. कहाँ से कहाँ heat flow करेगी, from the gas to the surrounding, राइट, बिकॉज गैस का टेम्परेचर ज्यादा है. सो वी कैन से कि जो गैस है उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा T1 से T0 होगा, राइट. सो जो प्रेशर है वो भी डिक्रीज होगा ना. प्रेशर क्यों डिक्रीज होगा, बिकॉज आप देखो PV इज इक्वल टू nRT, राइट. नाउ R तो कॉन्स्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इन द सिलेंडर वो भी कॉन्स्टेंट है, जो वॉल्यूम है वो भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा इस गैस का, बिकॉज जब आप पिस्टन को पुश करते हो, राइट, उसके बाद उसे उस पिस्टन को उसी पोजीशन पे मेंटेन करते हो, सो जो वॉल्यूम है गैस का वो भी कांस्टेंट है. इफ टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग काइंड ऑफ यू कैन सी प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इफ टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग देन प्रेशर भी डिक्रीज होगा. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन. कीप वर्किंग एट बेस्ट ऑफ लक. बाय.